जिंदगी भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा है। हर किसी की जिंदगी की अपनी एक अलग अहमियत होती है, लेकिन उस वक्त ये जिंदगी बोझ सी लगने लगती है जब इसका कोई वजूद या अस्तित्व ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट अलका, स्वागत करती हूँ आपका। आज हम बात करेंगे कि समाज में हमेशा दो जेंडर के बारे में पढ़ते और सुनते चले आए हैं, एक आदमी और दूसरा औरत। समाज में इन्हीं दो जेंडर को तवज्जो दी जाती है, लेकिन आज हम आपको इस दुनिया में बसी एक और दुनिया से रूबरू कराने जा रहे हैं, और वो है किन्नरों की दुनिया। तालियों की गड़गड़ाहट से अपना दुख संजोए किन्नर की जिंदगी भी उस सूखे पत्ते की तरह होती है जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। आज भी मर्द और औरत के बीच का अंतर खोज रहे कि आखिरकार उनका समाज में उतना ही हक है जितना दूसरे लोगों का है, जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के ही नाम से जाना जाता है। किन्नर समाज जो हमारे समाज के लिए रोज खुशियों की दुआ करते हैं ताकि उनका पेट भर सके, पर अफसोस लोगों के लिए दुआ करने वाले इसी किन्नर समाज को लोग या ये कहिए कि हमारे समाज घृणा और हीन भावना से देखता है। समाज का हर एक शख्स उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है, मगर हम ये भूल जाते हैं ये वही लोग हैं जो हमारी खुशियों में अपने सारे गम भुलाकर बेबाक होकर नाचते गाते और दुआ देकर चले जाते हैं। किन्नर ऐसे भी हैं जो अपने पेशे को छोड़कर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, पर उन्हें हमारे समाज में काम ही नहीं दिया जाता, ना तो मजदूरी का ना ही किसी ऑफिस का। आम लोगों की बात छोड़िए, सरकार भी इनके विकास के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रही। अगर एक मायने में देखा जाए तो आम नागरिक को किन्नरों से डर लगता है, इसलिए वो उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। जब दोनों पक्षों पर गौर किया जाए तो एक बात बड़ी आसानी से समझ में आती है कि आज का किन्नर समुदाय भी खुद को बदलना चाहता है, पर उसे भी एक मौके की तलाश है और कुछ किन्नरों ने कदम उठा लिया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी की। इन्होंने कैसे समाज में बदलाव लाने के लिए पहल दिखाई, आइए देखते हैं। अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली तेज तर्रार किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपने किन्नर होने पर गर्व है, और वो एक ऐसी महिला होने का दावा करती है जो अन्य महिलाओं को शर्माने पर मजबूर कर दे। लक्ष्मी की आम कथा के नए अंग्रेजी अनुवाद मी हिजड़ा मी लक्ष्मी का विमोचन नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में किया गया था। लक्ष्मी के मुताबिक उन्होंने कभी भी लिखने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी पुस्तक मराठी और गुजराती में पहले प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने कहा, मैं 2 साल तक लगातार पैसों पेश में रही और उसके बाद इसे लिखने के लिए तैयार हुई। मैं हमेशा सोचती थी कि ये किताब कभी नहीं लिखी जा सकती। लक्ष्मी पहली किन्नर हैं जो संयुक्त राष्ट्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने समुदाय और भारत का प्रतिनिधित्व टोरंटो के विश्व एड्स सम्मेलन जैसे अनेक मंचों पर कर चुकी हैं। वो इसका समुदाय के समर्थन और विकास के लिए अस्तित्व का नाम संगठन चलाती हैं। करती है ना इंस्पायर लक्ष्मी की कहानी, ये तो अभी शुरुआत है जनाब। कदम उठ चुके हैं समाज में बदलाव लाने के लिए एक तीसरा जेंडर जिन्होंने खुद को साबित किया। अब हम बात करेंगे शबनम मौसी की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनीति में आने के लिए जरूरी नहीं कि आप किस समुदाय के हैं, आप में विश्वास और आत्मनिर्भर की कमी नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं शबनम मौसी की कहानी। किन्नरों को वोट डालने का अधिकार मिलने के केवल 5 सालों बाद ही साल 1999 में एक निर्दलीय के रूप से भारी मतों के चुनाव का जीतकर शबनम मौसी पहली किन्नर विधायक बनी थी।
अफसरों नेताओं से लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने इलाकों के कई लोगों की सुविधाएं जुटाई थी। शबनम मौसी के जीतने के कुछ समय बाद ही चार और किन्नर मध्य प्रदेश के अलग अलग नगर पालिकाओं में चुने गए थे। साल 2003 में मध्य प्रदेश में किन्नरों ने जीती जताई राजनीति नामक अपनी स्वयं की राजनीति पार्टी की स्थापना की, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजनीति जो पहले से ही जीती है। पार्टी ने एक 8 पृष्ठ का घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से अलग क्यों है। उनके नाम से 2005 में एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसको योगेश भारद्वाज द्वारा निर्देशित किया गया था और शबनम मौसी की भूमिका आशुतोष राणा ने निभाई थी, लेकिन क्या लोगों ने इसे स्वीकारा? शायद नहीं। हमने उनके पार्टी से चुनाव लड़ा था, सब पूरा हमारा चुनाव व्यर्थ कर दिया उन्होंने, और हमारे चुनाव में कोई भी उन्होंने सहायता नहीं की। पार्टी लेवल पर उन्होंने टिकट दिया था और हमने जाके दिल्ली में उनके बंगले में उनके घर पे ही हमने उनके पीए के सामने उनके पूरे परिवार को शराब दे दिया था कि जाओ तुम्हारे पूरे परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। आज वो स्थिति उनके ऊपर लागू हो गई है। किन्नर समुदाय के लोग भी हमारी समुदाय से हैं, वो भी हमारे हिस्सा हैं। गांव में किन्नरों को लक्ष्मी माना जाता है। गांव में एक कहावत कही जाती है, किन्नर अगर कोई सामान छू दे तो बरकत होती है। ऐसे में उन लोगों को अलग समझना गलत है। जिससे बरकत होती है हम उसे हीन नजरों से कैसे देख सकते हैं? आज वो बदलाव लाने की राह पर निकल चुके हैं। ठीक ऐसा ही एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है कांता बुआ। कैसे, आइए देखते हैं। जोधपुर से कांता पहली किन्नर है जो राजनीति में उतरी। कांता नरेंद्र मोदी प्रशंसक है और मोदी के किन्नरों पर दिए गए भाषण के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। प्रदेश में किन्नरों के अधिकारों के लिए काफी लंबे समय से संघर्षशील ट्रांसजेंडर कांता बुआ अब राजनीति में उतर रही हैं। ऐसा जोधपुर में पहली बार हुआ जब कोई ट्रांसजेंडर राजनीति में कदम रख रहा है। इस दौरान कांता बुआ ने कहा कि वो बताना चाहती है कि किन्नर भी देश की सेवा कर सकते हैं, उनके उठाए कदम बाकी किन्नरों को प्रेरणा दे और वो अपने हक के लिए आगे जा सके। इसी मंशा से वो राजनीति में आना चाहती हैं। कांता बुआ का कहना है कि किन्नरों के लिए बनी आम धारणा को राजनीति के जरिए दूर रखना चाहती हैं। वो राज्य में अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पहली किन्नर के रूप में उभरी हैं। उनके द्वारा की गई कई समाज सेवा के कारण पूरे प्रदेश में उनकी एक अलग छवि बनी है। उन्होंने कहा कि किन्नरों को वोट देने का अधिकार है, उनका भी सरकारी दस्तावेज होना चाहिए और वो हर किन्नर का अधिकारी उनके दिलों के रहेगी। राजनीति में कदम तो रखा है, लेकिन एक और बदलाव लाने की कोशिश की जो शायद समाज में एक आदमी और औरत के सोच तक भी नहीं पहुंचा होगा। क्या, आइए देखते हैं। मैं कांता बुआ जोधपुर से राजस्थान से गजपति। ये मेरे सारे चेले हैं, आपसे गुजारिश है ये लोग इनकी शिकल देख लो आप लोग, इन्हीं को नेक दिया जाए। ये मेरे चेले हैं और हम लोगों ने किन्नर समाज में जोधपुर द्वारा मैंने ये नरेंद्र मोदी जी को देख के एक ये बयान जिस तरीके से काढ़ा है कि बेटी होने पे हमारे किन्नर जाएंगे, 2 थाली के साथ स्वागत किया जाएगा और 101 किन्नर बधाई के बदले में 101 बेटी को दे के उस बदले में आशीर्वाद दे के आया करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं जोधपुर से कांता बुआ। पॉलिटिक्स हो या ग्लैमर वर्ल्ड, आज ये हर जगह खुद को साबित कर रही है। ग्लैमर वर्ल्ड में खुद को अलग पहचान बनाने वाली दुनिया की सबसे सुंदर किन्नर, माफ कीजिएगा दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल के बारे में आपसे रूबरू करवाते हैं। आइए जानते हैं कौन है वो। मणिपुर की रहने वाली 27 वर्षीय खूबसूरत किन्नर का नाम विशेष हुई रेम है। विशेष किन्नर जो 9 नवंबर को थाईलैंड में मिस इंटरनेशनल क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। अपनी प्रसिद्धि को लेकर मणिपुर और मणिपुर बोले जाने वाले पड़ोसी क्षेत्र असम, बांग्लादेश और म्यांमार से परे ले गई। हिंदुस्तान के मणिपुर राज्य की वादियाँ जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही हसीन यहाँ की महिलाएं, लेकिन मणिपुर
इन दिनों एक खास वजह से और सुर्खियों में आ गया था और वो वजह है एक किन्नर। एक ऐसी किन्नर जिसकी खूबसूरती देख ही बनती है। उसकी खूबसूरती का ये आलम कि उसके चेहरे पर जिसकी भी निगाह पड़े वो बस उसे देखता ही रह जाए। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इन्हीं की तरह और भी किन्नरों ने अपने काम से बदलती समाज की सोच। मानवी बंदोपाध्याय भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल बनने के बाद किन्नर समुदाय का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 35 वर्षीय ट्रांसजेंडर मधु किन्नर को महापौर के रूप में चुना गया था। मधु ने ट्रेनों में नाच गाकर कमाए गए 70,000 रुपए की मदद से ये चुनाव लड़ा। वो इस पद पर आने वाली पहली दलित ट्रांसजेंडर है जिनका ध्यान अब शहर की साफ सफाई आदि से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। 15 अगस्त साल 2014 को 31 साल की पद्मनी प्रकाश को भी भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर के रूप में चुना गया था। कोयम्बटूर के लोटस न्यूज चैनल में काम करने से पहले पद्मनी अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर के रूप में कार्य करती थी। पद्मनी के परिवार ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था जिसके कारण कॉलेज की पढ़ाई को भी बीच में छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, ट्रांसजेंडर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया, यहाँ तक कि शादी भी की थी। आज इंडस्ट्री के एक नामी और कामयाब चेहरा होने के साथ साथ वो अपने गोद लिए बेटे का लालन पालन भी कर रही है। रोज वेंकटेश्वर पहली ट्रांसजेंडर होस्ट है। लोग अपने कुत्ते को पालते हैं, उनको इज्जत देते हैं, कितने प्यार से उन्हें खाना खिलाते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं, उनको कभी कभी तो अपने बिस्तर पर भी सुलाते हैं। वो तो एक कुत्ता है, जब आप उसे जीने का अधिकार देते हैं तो एक किन्नर को क्यों नहीं। ये कहना है शबनम मौसी का। किन्नर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में समाज से बहिष्कृत लोगों की छवि बनने लगती है। ये लोग शादी, बच्चे की जन्म के अवसर पर, बस, ट्रेन, सड़क या किसी पार्क में आपको पैसे मांगते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये लोग इस तरह से पैसे मांगने पर मजबूर क्यों है? क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी किन्नर दैनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। किन्नरों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव से उनका मनोबल टूटता है। उनके लिए ना रोजगार की व्यवस्था और ना ही उनकी खुद की कोई परिवार जैसी इकाई है। समय समय पर दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर मानव अधिकार उल्लंघन, मानव अधिकारों की बदतर स्थिति की चर्चा की जाती है, लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित और समाज की प्रताड़ना के शिकार किन्नरों की स्थिति पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। देश की आजादी को 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज का एक तबका आजादी के मिलने के बाद भी कई अधिकारों से वंचित है, जिन्हें पाने के लिए वो खुद की ही व्यवस्था से लड़ रहा है। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।